तो आपके परफ्यूम भैया वापस आ चुके हैं विद द ब्रांड न्यू वीडियो। क्या हाल है मेरी जान, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अमित द्वारा, आप देख रहे हैं व्हाट द डू। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला, बिकॉज एक ऐसे प्रीमियम फ्रेग्रेंस का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं ना, जो सीधी भाषा में कहूं एक क्लास स्टेटमेंट है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं ऑन द वन एंड ओनली बेंटली इन्फिनाइट। ये ना एक बहुत ही कमाल का फ्रेग्रेंस है। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा आज की वीडियो में इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसको कहां लगा के जाना, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं यार हर फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए नहीं होती है। अगर आप फ्रेग्रेंस को ओकेजन के हिसाब से लगा के जाओगे ना तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑल्सो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है सारे हम सब डिटेल बात करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसको ओरिजिनल कहाँ से मंगा सकते हो वो भी आपको बताऊंगा, बिकॉज मार्केट में थोड़े फेक भी मिल रहे हैं, तो आपको सारी सब चीजें वीडियो में पता चलने वाली है। आगे तो वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके मुझे ये बताइए आप ज्यादातर फ्रेग्रेंस के ऊपर कितना खर्चा करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ना पहले ही क्लियर करते, तो अगर अभी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको किसी को परफ्यूम गिफ्ट करना, देन दिस इज अ वेरी गुड परफ्यूम गिफ्टिंग ऑप्शन, बिकॉज इसका आउटर बॉक्स भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट के डिजाइन के हिसाब से भी अगर कहूं ना यार, तो बहुत ही प्रीमियम लुक दिया गया है। फ्रंट में आप देख सकते हो कि बेंटली का सब लोगो दिया आपके बॉटल पे, और वहां पे लिखा है इन्फिनाइट बेंटली। बहुत प्यारा लगता है, प्रीमियम लगता है, गिफ्टिंग के लिए 5 out of 5, कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे इसके फ्रेग्रेंस को दो शब्दों में एक्सप्लेन करना होगा ना यार, तो मैं आपको सिंपली कहूंगा ये है सिट्रसी एंड फ्रेश। अगर आपको ये होना जिसको भाई ये फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए, आपको एकदम सिट्रस की जो फ्रेग्रेंस होती है काफी अच्छी लगती है, इंक्लूडिंग लैवेंडर की भी, देन यार आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आएगा। जिन लोगों को इसके नोट्स के बारे में जाना सिर्फ उनके लिए, इसके टॉप नोट में सिट्रस, सदार एंड लैवेंडर, मिडिल नोट में आपको मिल रहा है वॉयलेट, पेपर एंड जेरेनियम, एंड बेस नोट में हेथिन विटेवर, पैचोली एंड एम्बरग्रीस। यार नोट्स वाइज तो काफी सेक्सी है, पर जिनको सिर्फ ये जानना है यार कि इसकी फ्रेग्रेंस है कैसी, हमें नोट्स वोट से फर्क नहीं पड़ता, भाई देखो सीधी भाषा में कहता हूँ सिट्रसी फ्रेश, वो ओशन एक्वाटिक वाइब आती है ना एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस की, वैसा है यार बेंटली इन्फिनिट। अगर मेरे हिसाब से पूछना है इसकी पर्सनालिटी वाइज में, यार ये काफी ना समर टाइप का फ्रेग्रेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली विंटर में इसको अगर आप अप्लाई करो तो उसकी लॉन्जिविटी अच्छी जाती है, बट यार ये बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रेग्रेंस है। लाइक मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, जब मेरा समर फ्रेग्रेंस का वीडियो आएगा फॉर 2023, उसमें हो सकता है ये मैं उसको पोजीशन दूं वहां पे, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। यार जब आप इस फ्रेग्रेंस को पहली बार अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये दो एसेंस जो बहुत स्ट्रांगली आते हैं वो है सिट्रस के और लैवेंडर के। ऑब्वियसली सिट्रस टॉप नोट पे तो आना ही आना है, पर ये सबसे ज्यादा एविडेंट फ्रेग्रेंस एसेंस होती है, सो दैट आपको समझ में आए कि इसकी खुशबू है कैसी। अभी हो सकता है आप ये कहें कि इसके अंदर पेपर है तो क्या ये थोड़ा सा स्पाइसी है, बहुत ही माइन्यूटली स्पाइसी है। आई वोंट से इसकी जो मेजर जो कॉम्पोजिशन है टुवर्ड्स द फ्रेश एक्वेटिक एंड सिट्रस नेचर ऑफ इट, पेपर एंड स्पाइसी उतना नहीं है। इसके बेस नोट में दोस्तों एम्बरग्रीस एंड एम्बरग्रीस से आपको 2 to 3 फ्रेग्रेंस एसेंस मिलती हैं, जैसे कि मस्क की आपको खुशबू मिलेगी, वेनिला की एंड ऑल्सो वुडी। एम्बरग्रीस इज मच मोर ऑफ एन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, तो आपको अर्दी एंड एक्वा की फ्रेग्रेंस काफी एविडेंटली पता चलती है इसमें। यार ये फ्रेग्रेंस ना मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर आपको ये होना जिसको थोड़ा सिट्रसी ये फ्रेश बीच टाइप फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आते हैं ना, देन यार आपको ये बहुत अच्छा लगेगा विदाउट अ डाउट। अब बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन को लेकर, मतलब सीधी भाषा में जब इसको अप्लाई करोगे तो कितने दूर तक पता चलता है कि आपने कुछ महंगा सामान लगाया हुआ है, ठीक है, तो मतलब नोटिसेबल हो रहे हो आप। तो यार इसकी जो प्रोजेक्शन फर्स्ट 1 hour में ना, दैट इज इजिली 1-1.5 feet, बहुत अच्छे से इसका प्रोजेक्शन चलता है। स्पेशली अगर आपको AC एनवायरमेंट रूम में हो, एक इनक्लोज्ड रूम में हो, तो भाई बहुत ही अच्छे से पता चलेगा किसी को भाई जो 1.5 feet में बैठा है कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाया हो। अब बात करते हैं लॉन्जिविटी को लेकर, मतलब सीधी भाषा में ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। तो अगर मैं कहूँ ना यार ये फ्रेग्रेंस इजिली 4 to 5 hours आपके स्किन पे बहुत अच्छा स्ट्रांगली रहता है, उसके बाद धीरे धीरे फेड ऑफ होना शुरू हो जाता है, लिंगर ऑन करता है। यार मेरे स्किन पे ना, मैंने इसको अप्लाई करके रखा हुआ था, ऑलमोस्ट 8 hours तक इसकी फ्रेग्रेंस एसेंस थी उस पर। एंड अगर आप सोच रहे हैं इसको अपने कपड़े के ऊपर अप्लाई करने के लिए, दैट इज ऑल अप टू यू, तो वहां पर 2 hours और बढ़ जाएंगे। देखो भाई साहब, यह 60 ml का ना EDTA योदय तौला है, तो मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, शायद से कुछ लोग बोलने वाले यार 1000 rupees के अंदर वाले जितने भी EDTA क्या ये उससे बेटर है, ऑब्वियसली उससे बेटर है यार। बेंटली ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम फ्रेग्रेंस ब्रांड है, एंड EDTA इसका इज एनी डे मोर स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू ऑल द अंडर 1000 वाले फ्रेग्रेंसेस। प्राइसिंग के हिसाब से कहूँ ना दोस्तों, तो मैंने इसको रिटेल से लिया था, रिटेल ने मुझे ये लगभग 4200 rupees का पड़ गया था, तो एक्चुअली थोड़ा ऑन द हायर एंड है, पर आप लोग के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन मंगाने के लिए, सर 2000 उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आपको उनसे लगभग ना 3800 के रेंज के अप्रॉक्सीमेटली में ये मिल जाना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन है तो सस्ता पड़ता है। दोनों का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उन्हीं से जाके मंगाना। रुको रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, नीचे मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक ओपन करके रखा हुआ है, जिसपे भाई हम लोग मोर देन 100+ वेबसाइट से जब भी कोई फ्लैश सेल ऑफर कुछ भी डिस्काउंट चलता है ना,
उस पर हम अपडेट डाल देते हैं, उसका फ़ायदा उठाओ जाके, बिकॉज ये सारी सब चीज़ें ना कभी कभी और 100 रुपये 200 रुपये सस्ते हो जाते हैं, हम तुरंत उसके ऊपर अपडेट डालते हैं, तो फायदा उठाओ ना, पूरा पैसा क्यों खर्चा करना है। लिंक इज बिलो इन डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक इट आउट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, ये फ्रेग्रेंस को आपको कहाँ पे लगा के जाना चाहिए? यार मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको आप पार्टीज में यूज कर सकते हो, बट नॉट वेडिंग। मैं वेडिंग के लिए नहीं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, लाइक अभी विंटर वेडिंग्स के लिए तो नहीं सजेस्ट करूंगा, समर वेडिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ आई वुड हाईली सजेस्ट कि यार अगर तुमको कहते हो ना फॉर्मल पार्टीज में जा रहे हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छा खेलेगा, बिकॉज एक तो इंडोर रहने वाला है, तो इंडोर में तो एसी के साथ इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी चलती है। ऑल्सो अगर तुम कोई वीकेंड गेटअवे का प्लान कर रहे हो, ऐसी कहते हो ना गाड़ी लेकर निकल रहे हो घूमने फिरने के लिए दोस्तों यारों के साथ, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है। डेट्स के लिए आई वोंट सजेस्ट, बट देन अगेन कॉलेज वाले हो तो कॉलेज में तो यार यू कैन पुल ऑफ एनीथिंग, तो यू कैन ऑब्वियसली ट्राई इट फॉर अ डेट थिंग ऑल्सो, बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ एट द 23 एंड प्लस वाले उसमें, तो यार डेट्स वेट्स पे ये लगाने की जरूरत नहीं है। आई वुड रादर सजेस्ट कि इसको घूमने फिरने जा रहे हो तो उस हिसाब से यूज करो, अनलेस योर पार्टनर लाइक्स इट देन इम्प्रेसर। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन बेंटली इन्फिनिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, जैसा भी लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ऑल्सो नीचे मेरा गूगल फॉर्म अटैच्ड है, आप वो गूगल फॉर्म में ना मुझे आपके से फीडबैक चाहिए, 2 मिनट लगेगा, वहाँ पे जाके मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, जो भी आपके फीडबैक है इट इज़ ऑल अप्रिशिएटेड। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करता हूँ, जाइए जरूर मुझे बताइए। बिसाइड्स दिस, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा परफ्यूम खरीदना चाहिए, कोई भी डाउट चल रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, वरना ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। आपको जो भी ओकेजन है प्लीज खाली मैसेज कर दो, जैसे वेडिंग के लिए परफ्यूम ढूंढ रहा हूं या डेट्स के लिए कोई परफ्यूम ढूंढ रहा हूं, मेरा बजट ये है वो है, आप डाल दो उसके अंदर, मेरे को थोड़ा जैसे जैसे मैं रात को बैठता हूं रिप्लाई करने के लिए, मैं आपको भी रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। तब तक मेरे दोस्तों, तुम लोग जहां पर भी रहो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो, मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक मेरे डूडा में बाय।